वेल गाइस, अगर आप लोग भी अपने फ़ोन में इस तरह कस्टमाइजेशन चाहते हैं Xiaomi Redmi Poco के फ़ोन में, तो आज की वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको AOD में कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, और ये काफ़ी कस्टमाइजेशन को आप लोग और भी फीचर्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसा कि पिक्सल के फ़ोन में लॉक स्क्रीन जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, और जो iOS के फ़ोन में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिलता है, वो दोनों का जो मिक्सचर है हमें HyperOS में देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर सभी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह आप लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक मिलता है सेम क्लॉक आप लोग को AOD में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, डेप्थ इफेक्ट में आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू भी बहुत से देखने को मिलता है, और किसी भी प्रीव्यू में जाने के बाद आप लोग किसी भी वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक अप्लाई कर रहा हूँ, और जो क्लॉक की विजेट है सेम क्लॉक की विजेट हमें AOD स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स दिखा दूं जो HyperOS में देखने को मिलता है, उसके बाद आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। HyperOS को मैं अपने Mi 11X में यूज़ कर रहा हूँ, और दोस्तों जो स्टेप्स मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा वो आप लोग फॉलो करके अपने किसी भी Xiaomi के फ़ोन में HyperOS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप लोग को लॉक स्क्रीन में जो कस्टमाइजेशन है वो आप देखने को मिल जाता है, और उसी कस्टमाइजेशन के साथ आप लोग को AOD में भी कस्टमाइजेशन मिल जाता है। तो आप लोग को लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही आप लोग कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप लोगों ने पहले कुछ सेट कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों का प्रीसेट अप्लाइड लॉक स्क्रीन है, या फिर जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग क्लासिक मोड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कुछ प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो रोम्बस इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कुछ प्रीव्यू देखने को मिल जाते हैं। फिर से स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैगजीन पैटर्न देखने को मिल जाता है, और किसी भी लॉक स्क्रीन पर किसी वॉलपेपर पर आप लोग सिर्फ कस्टमाइज पर क्लिक करना है, और कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर पर क्लिक करके आप लोग वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में कोई वॉलपेपर है तो जो पहले से वॉलपेपर है उसे रिमूव करके आप लोग अपने मनपसंद के वॉलपेपर को यहाँ पर डाल सकते हैं। फिल्टर जाने के बाद आपको फिल्टर की इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डेप्थ इफेक्ट में जाएंगे तो डेप्थ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते यहाँ पर देखिए आप जिस तरह से हमें आईफोन iOS में देखने को मिलता है डेप्थ इफेक्ट, वो देखने को मिल जाता है। और किसी भी लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर है उसे जब लाइक कर देंगे आप लोग तो उसकी जो क्लॉक की प्रीव्यू है, देख सकते मैं यहाँ पर इस वाले वॉलपेपर को यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ। अब मैं अपने फ़ोन को लॉक करूँगा तो देख सकते हैं कि जो हमें क्लॉक की प्रीव्यू हमें लॉक स्क्रीन में देखने को मिला, सेम प्रीव्यू आप लोग को AOD पे भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की आप लोग को कस्टमाइजेशन आपके फ़ोन में देखने को मिलने वाला है Xiaomi Redmi Poco के फ़ोन में, जब आपके फ़ोन में HyperOS इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, डिटेल वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। एक फीचर आपको ये देखने को मिलता है कि आप लोग अपने किसी फोटो से बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, सिर्फ लॉन्ग प्रेस करना है, कॉपी सेव सेंड कर सकते हैं, कॉपी करेंगे और इसे कहीं भी आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, अब मैं नोट्स में जाऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारे फ़ोन से यहाँ हमारे फोटो से रिमूव हो चुका है, और इस तरह से आप लोग और भी कस्टमाइजेशन और फीचर्स हमें देखने को मिलता है HyperOS में। डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर बनता है। आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इंस्टॉल से प्रोसेस बता दूँ कि किस तरह से आप लोग अपने किसी भी Xiaomi के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये स्टेप्स आप लोग को Mi 11X में करके दिखा रहा हूँ, बाकी सेम स्टेप्स आप लोग अपने किसी भी Xiaomi Redmi Poco फ़ोन में कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको अपने फ़ोन के लिए फाइल को डाउनलोड करना होगा। वेल गाइज, मैं अपने Mi 11X, Poco F3 या Redmi K40 में HyperOS को इंस्टॉल कर चुका हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन में HyperOS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज, अब आप लोग अपने Mi 11X में अगर इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, HyperOS को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोगों को जो फाइल है उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, फिर आप लोगों को कस्टम में कभी बूट कर जाना है। तो अगर मैं आपको फाइल यहाँ पर दिखा देता हूँ जो फाइल मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, तो देख सकते हैं वाली फाइल आपको देखने को मिल जाता है HyperOS K40। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कस्टम रिकवरी में बूट करता हूँ। कस्टम रिकवरी में दोस्तों बूट करने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल पे, और जहाँ भी फाइल को सेव किए होंगे सिंपली उस लोकेशन को लोकेट करके और उस फाइल को आप लोग अपने फ़ोन में फ्लैश कर लेना है। स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देना है,
अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग को वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जीप जो सक्सेसफुल हो चुका है। होम पे जाना है, वाइप में जाना है, फॉर्म डाटा करना है, एडजस्ट कर देना है, और इस केस में आपके जो भी डाटा है सब कुछ यहाँ पर इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली बैकअप बना लेना, डाटा फॉर्मेट हो चुका है, सिंपली आप लोग यहाँ पर रिबूट सिस्टम कर देना है। अब दोस्तों ये बूट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। वेल गाइज, मैं अपने मी 11X, पोको F3 या रेडमी K40 में HyperOS को इंस्टॉल कर चुका हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन में HyperOS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं HyperOS को जैसे आप लोग इंस्टॉल करेंगे, जो सबसे पहले चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो आप लोगों को कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, और कंट्रोल सेंटर में जैसे आपको दिखेगा तो आपको सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होगी वो आपको न्यू UI देखने को मिलेगा, और साथ साथ जो हमें ऊपर में एडिट का बटन या फिर सेटिंग का बटन देखने को मिलता है, अब दोस्तों उसे नीचे कर दिया गया। अब आप लोग को यहाँ पर एडिट का बटन देखने को मिलता है, जिस पर एडिट करके आप लोग न्यू टाइल्स को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों HyperOS जो है ना, आप लोगों को इसमें जो भी फीचर देखने को मिलने वाला है वो 100 मोड देखने को मिलने वाला है।